गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मजदूर कापी के बारे में, एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हरियाणा में जो मजदूर कापी अब बनाना चालू हो चुका है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों, कन्यादान योजना के तहत आपको 1,01,000 रुपये मिलेंगे। लड़के की शादी पर वित्तीय सहायता आपको 21,000 रुपये प्राप्त होगी। और दोस्तों, पितृव लाभ आपको 21,000 रुपये मिलेगा और मातृव लाभ भी आपको 36,000 रुपये मिलेगा। और दोस्तों, आपको छात्रवृत्ति योजना के तहत आपको 8,000 से 20,000 रुपये तक बच्चों को दिए जाएंगे। तो दोस्तों, 6% के हिसाब से छात्रवृत्ति योजना 21,000 से 52,000 भी जो कि मिलेगी आपको। इसके बाद दोस्तों, आपको मृत्यु सहायता 20,000, औजार योजना 8,000, साइकिल योजना 3,000, सिलाई मशीन 3,500 रुपये और महिला सम्मान योजना 5,500 रुपये आपको जो कि मिलेंगे। दोस्तों, तो आज ही अपना मजदूरी पंजीकरण जरूर करवाएँ और सरकारी योजना का लाभ उठाएँ। दोस्तों, आपको क्या क्या चाहिए होगा आप आज की वीडियो में बता देते हैं। तो दोस्तों, मजदूर कापी बनाने के लिए आपको एक और फ़ायदा मिलेगा, वो आपको बता देते हैं। अगर आप जैसे ही मजदूर कापी बनाते हैं तो आपको 1-2 दिन के अंतराल ही आपको 1100 रुपये आपके खाते में डाले जाएंगे। और इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर होना लिखा जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जितने भी मेम्बर है फैमिली आईडी के, सभी के आधार कार्ड चाहिए होगा और एक फ़ोटो चाहिए होगा। तो दोस्तों, ये सब चाहिए होगा तो आपको आपके जो मजदूर कापी बन जाएगी और 1100 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे आपके बैंक खाते में। और दोस्तों, जो मैंने आपको इस स्कीमों के तहत आपको पैसा मिलने वाला वो बता दिया पहले ही। तो दोस्तों, आप इसका लाभ उठा सकते हैं अपने मजदूर कापी बनवा कर। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।